हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एरिना ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 3। जी हाँ दोस्तों, 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये सेट नंबर 3 आपके लिए लेकर के आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं 15-15 क्वेश्चन के दो सेट आपको दे चुका हूँ, तो ये दोस्तों दोनों सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, खासतौर से जो बच्चे सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस की। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि बराबर आपको अपडेट मिलती रहे। ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल से रिलेटेड या कोई मॉक टेस्ट आपको देता हूँ तो सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो। कि अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देने वाला हूँ रीजनिंग के ऊपर, अर्थमेटिक के ऊपर, आपको अच्छे से अच्छे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर वीडियो मिलेगी। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए दोस्तों। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस मॉक 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूछ रहा है कि किसने प्रपोज किया था, किसने बात को रखा था, प्रीएम्बल को किसने रखा था बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले उसको ड्राफ्ट किया जाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले उसमें कुछ बातें रखी जाती है। तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रीएम्बल को सबसे पहले किसने रखा था, तो वो भीमराव अम्बेडकर ने रखा था, या जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, या आलात के अय्यर ने रखा था, या के एम मुंशी ने रखा था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन हैं, तो वो हैं भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो ये दो क्वेश्चन इस बन के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द रूलर हु बिल्ड टू मॉस्क्यू कुवत उल इस्लाम एट दिल्ली और ढाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर। तो दोस्तों ये दो जो मस्जिदें थी किसने बनाई हैं, एक दिल्ली की है और एक अजमेर की। तो इसमें पूछा गया पहला है कुतुब अल दिन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है अरमान शाह, शाहजहाँ या अकबर। दोस्तों इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर, इन्हीं दोनों, ये दोनों मस्जिद कुतुब अल दिन ऐबक ने ही बनवाई थी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ये, तो इसको लर्न कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, मतलब कौन था लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें है लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवल। तो इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही पहले वाइस रॉय और लास्ट गवर्नर रह चुके हैं इंडिया के। दोस्तों ये अंग्रेजों के टाइम पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया हाउ मेनी टाइम नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर, नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार डिक्लेयर हुई। दोस्तों जैसा आप लोग सभी लोग जो जानते होंगे, ज़्यादा ज़्यादा जानते होंगे, एक बार हुई है या दो बार हुई है, तीन बार हुई है, चार बार हुई है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये पता है कांग्रेस के टाइम पे इमरजेंसी लगी, बट इमरजेंसी कितनी बार लगी ये किसी को नहीं पता। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब पहला वॉर हुआ था 1962 में, हमारा जो वॉर हुआ था चाइना के टाइम पे, चाइना वॉर के टाइम पे एक बार इमरजेंसी लगी थी। दूसरी लगी थी 1971 में जब पाक वॉर हुआ था, उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। और जो तीसरी लगी थी वो लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस हो गई थी इस वजह से। तो तीन बार इमरजेंसी लगी थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश में इमरजेंसी कितनी बार लगी है। तो दोस्तों तीन बार लगी है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द मेटल विच इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, कौन सा ऐसा धातु है जो कि रोशनी को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला है कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, या ब्रॉन्ज है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, सिल्वर, चांदी जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैम्बर्ट लॉ इज़ रिलेटेड टू, जो लैम्बर्ट लॉ है वो किससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से है, या रिफ्रैक्शन से है, इंटरफेरेंस से है, या इल्यूमिनेशन से। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लैम्बर्ट्स लॉ जो है रिलेटेड है इल्यूमिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच केमिकल इज़ यूज्ड इन नेल पॉलिश रिमूवर, देखिए आप हाथों में नाखून पॉलिश लगाते हैं तो उस नाखून पॉलिश को रिमूव करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्या बेंजीन यूज़ करते हैं, एसीटोन यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, या पेट्रोलियम ईथर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एसीटोन। एसीटोन का प्रयोग किया जाता है आपकी हाथ में लगी हुई नेल पॉलिश को हटाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन, हमारी जो मनुष्य की हड्डियां हैं वो क्या नहीं कंटेन करती, उसमें क्या नहीं पाया जाता। पहला पूछा है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है फॉस्फोरस।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम भी पाया जाता है, कार्बन की मात्रा भी होती है और फॉस्फोरस की मात्रा, बट ऑक्सीजन की हड्डियों में मात्रा नहीं होती। ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में होता है, हड्डियों में ऑक्सीजन थोड़ा ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, जो पानी की बूंदें हैं वो गोल आकार की ही क्यों होती हैं, उसका क्या कारण है? क्या विस्कोसिटी की वजह से? विस्कोसिटी मतलब जैसे हनी या शहद हुई, तो उसको अगर हम फर्श पे डाल देते हैं तो देखिए जितनी ज़्यादा वो गाढ़ी होगी, ठीक है, वो उतनी धीमे फ्लो करेगी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन जो आता है, उसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। डेंसिटी जैसे आप जानते होंगे घनत्व, ठीक है, पोलैरिटी और सरफेस टेंशन। तो दोस्तों इसमें हम बात करें तो सरफेस टेंशन इज़ द करेक्ट आंसर, डी, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्फेरिकल जो आपका पानी की बूंद का जो गोल स्फेरिकल आकार होता है वो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड द पीएम मोदी लॉन्चेज वन नेशन वन कार्ड। देखिए 4 मार्च 2019 को मोदी ने कहाँ पर एक देश और एक कार्ड होने की का जो स्कीम थी वो लॉन्च की थी? भोपाल में की थी, अहमदाबाद में, दिल्ली में या लखनऊ में? अहमदाबाद इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये देखिए सब करंट अफेयर्स हैं जो कि अभी रिसेंटली ये सब आई ही बन ही हैं, तो इनको भी लर्न करते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ करंट अफेयर्स भी लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपके करंट अफेयर्स भी इसमें कवरअप होती रहें और जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस में क्वेश्चन बन सकते हैं जो पूछे जा रहे हैं और भी एग्जाम में, उन सबको भी ले चल रहा हूँ और इसके लिए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हु अपॉइंटेड है डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 2019 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? देखिए अपॉइंटमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि रिसेंटली जितनी अपॉइंटमेंट हुई होती है उन पे आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो या कोई भी गवर्नमेंट की किसी भी ऊंची पोस्ट पे जिनका अपॉइंटमेंट हुआ होता है वहाँ से क्वेश्चन मिलता है। तो जरूर की जरूर मैं यहाँ पर एक दो अपॉइंटमेंट के जो मुझे लगते हैं वो मैं कवरअप कर रहा हूँ, आगे भी वीडियो में कवरअप करता रहूँगा, बट आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी याद करेंगे अपॉइंटमेंट रिलेटेड, क्योंकि अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। ऑप्शन ए क्या है? आलोक मित्तल, संजीव सानू, अजीत कुमार मोहंती या रजनीश कुमार? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर है उसके डायरेक्टर हैं अजीत कुमार मोहंती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द कंट्री हु वन द सुल्तान अजल शाह कप 2019। ये किस कंट्री ने जीता है? तो दोस्तों ये जो कप जीता है वो जीता है साउथ कोरिया ने। देखिए स्पोर्ट्स रिलेटेड भी आ सकता है कि ये कप किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कप किस किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो सुल्तान अजलन शाह कप 2019 था, इसके जो विनर रहा है वो रहा है साउथ कोरिया, और हम जो इंडिया हैं वो रनर अप रहे हैं और थर्ड पोजीशन पे मलेशिया रहा है। दोस्तों ये जो भी कप ऑर्गेनाइज किया गया था वो मलेशिया में हुआ था, तो इसका वेन्यू रहा है मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ नॉन फ्रिक्शन बुक टाइटल इंडिया पॉजिटिव? इंडिया पॉजिटिव जो नॉन फ्रिक्शनल बुक है उसका राइटर ऑथर कौन रहा है? दोस्तों ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, किरण देसाई, सलमान रश्दी या चेतन भगत? तो दोस्तों चेतन भगत ने इंडिया पॉजिटिव लिखा। दोस्तों इस बुक में क्या है कि उन्होंने इंडिया की ग्रोथ के ऊपर लिखा है, जीएसटी टैक्स इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड लिखा है। इस बुक में बताया गया है कि इंडिया का किस तरीके से आगे आफ्टर जीएसटी क्या क्या उनका हो रहा है। तो ये बुक इंडिया पॉजिटिव लिखी है चेतन भगत ने। दोस्तों देख बुक रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछते, ज़्यादातर वो लोग पूछते हैं जैसे स्पोर्ट्स पर्सन ने किसी स्पोर्ट ने सचिन जैसे सचिन ने बुक लिखी प्लेन इट माय वे, ठीक है, ऐसे युवराज सिंह ने कौन सी बुक लिखी है या माइकल क्लार्क ने कौन बुक लिखी। अभी मैंने नो स्पिन एक बुक आपको बताई थी जो कि शेन वॉर्न ने लिखी थी। तो जितने फेमस क्रिकेटर हैं उनकी द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में पूछा जाता है, या फेमस राइटर हैं हमारे यहाँ जिस तरीके से विक्रम सेठ जी हो गए, चेतन भगत हो गए, इंडियन जो फेमस राइटर हैं उनकी कुछ पूछ ली जाती हैं, अमिताभ घोष हैं, तो इस तरीके के फेमस राइटर से पूछे जाते हैं, सलमान रश्दी पे जिन्होंने किताबें लिखी हैं रिसेंटली वो सब पूछी जाती हैं। तो आप बुक एंड ऑथर पे भी एक से दो क्वेश्चन मिलता है, तो आप प्रिपरेशन करिए। बल्कि मैं आपको बुक एंड ऑथर पे मोस्ट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 50 क्वेश्चन दूंगा, 15 बुक्स के बारे में बताऊंगा आने वाली आगे वीडियो में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए जितने तूफान आ रहे हैं, क्योंकि हर तूफान का नाम कुछ उटपटांग सा होता है, हर क्योंकि क्या होता है कि जहाँ से वो तूफान चलता है उस देश के आधार पे उसका वहाँ का नाम रखा जाता है उस तूफान का। तो ये तूफान आया था, नेम द साइक्लोन स्ट्रॉम डेट हिट द कोस्टल आंध्र प्रदेश रिसेंटली। आंध्र प्रदेश के कोस्टल मतलब तटीय इलाके पर जो अभी रिसेंटली कोई साइक्लोन था, तूफान था, वो टकराया है, उस तूफान का क्या नाम था? दोस्तों पहला ऑप्शन है हैरी था, फैनी तूफान था, अक्की था या ओमी था।
देखिए उसका जो करेक्ट आंसर, करेक्ट बी इज़ द करेक्ट आंसर। फैनी तूफान नाम का तूफान जो था वो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में टकराया था आकर के। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आया था वो ये नहीं पूछा गया था कि फैनी तूफान टकराया है, उन्होंने ये पूछा था फैनी नाम का तूफान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में टकराया था, बट वो कौन से महीने में टकराया था, वो मई में टकराया था, जून में टकराया था या जुलाई में टकराया था। दोस्तों देखिए सबको पता होता है ये तूफान टकराया है, बट वो कब टकराया है ये नहीं पता होता। तो कोई भी चीज़ है आपको उसकी बारीकी पे जाना है, बात को समझना है, बहुत डीपली भी नहीं जाना, बट एटलीस्ट जो भी चीज़ है उसके एक दो स्टेप तक आपको जरूर समझना है। तो दोस्तों ये जो आया था 30 अप्रैल को आया था, तो अप्रैल में आया था, 30 अप्रैल को फैनी तूफान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ है। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज किया गया है पूरे वर्ल्ड में, वो किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को या 11 अप्रैल को? करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल। दोस्तों इस बार जो था इनका 70वां एनिवर्सरी थी वर्ल्ड हेल्थ डे की, और जो इनका थीम रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कन्वे का था, एवरीवन एवरीवेयर, ये इनका थीम रहा है। दोस्तों कोई भी, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइज किया जाता है बड़ा, तो उसका थीम रखा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा इसका क्या थीम रहा है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं और आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो दोस्तों ये जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसको बूस्ट करने के लिए मैं दे रहा हूँ। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मेरे एंड से लगते हैं, जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जो पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर सब ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स भी कवरअप कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन सब कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मन से एक लाइक कीजिएगा, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देने वाला हूँ। देखिए थोड़ा सा मुझे वीडियो डालने में डिले हो गया, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, मैं आगे से आपको टाइमली वीडियो देता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।